दोस्तों, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घयोग्यता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद चिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किस किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों? तो किसको दोस्तों अधिक प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना, पहला हो जाएगा तम्र स्लैग, दूसरा हो जाएगा दोस्तों अपना शीत मिश्रण एसफाल्ट प्रौद्योगिकी, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों अपना ऊष्म मिश्रित एस्टफाल्ट प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ए नंबर का, 1, 2 और 3 नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय विषय समझौता संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का, 1 और 3 नंबर। ये हो जाएगा 1 और 3 नंबर। तो इसका जैसे कि दोस्तों पहला है अल्मा आटा घोषण लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल दोस्तों, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों तनाव संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का अपना, ये 1 और 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बटलर जी रोजेन ने की थी दोस्तों। किसने की थी? बटलर जी रोजेन ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है दोस्तों? तो कौन दर्शाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? अल्फा सूचांक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा सूचांक ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिस्थिति तंत्र निर्वाह दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है दोस्तों? तो क्या नहीं है दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पवित्र उपवनों का रखरखाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम घाट, सी नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों 1 और 2 नंबर का सर दोस्तों। तो जैसे कि पहला हो जाएगा हाथियों के समूह का नेत्र मादा करती है दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों हाथी की अधिकतम गर्भवती 22 माह की तक हो सकती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला दोस्तों 1 और 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत बायो डायबिटीज हार्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना विंध्यान, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शांत घाटी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो केरल से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जैविक विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रागमाउथ कॉपरेथिस बारबेट ग्रेट चिंडा मेडिविट और हवाइट थ्रेडेड रेसेटर्ट क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्षी ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैविक विविधता की ह्रास का कारण नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बंजर भूमि का वनीकरण, तो सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है दोस्तों? तो किसका है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना डी नंबर का, अंडमान और निकोबारा द्वीप समूह दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गिद्धों की तेजी से घट रही जनसंख्या को कारण क्या है दोस्तों? गिद्धों की जनसंख्या तेजी से घटने का कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जानवरों की अधिक मृत्यु की दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना जानवरों को दर्द निवारक देना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूगोगेगो नामक समुद्री जीव को की विलोपन की कगार पर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तनधारी मैमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉरिशस में एक पक्षी प्रजाति प्रजनन में असफल रही है दोस्तों, तो कौन सी पक्षी असफल रही है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडो, पी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों डोडो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ायन वलगुल फाइगुल फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है दोस्तों? तो किस पक्षी को अल्प माना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 वर्ष से उसे अल्प माना जाता है दोस्तों, जो 50 वर्ष से नहीं देखी गई है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इसमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था दोस्तों? तो क्या किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ, क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडास डॉल्फिन जो दूध का एक विरल दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है दोस्तों? किस नदी में पाई जाती है दोस्तों? गंगा नदी में दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी में दोस्तों। अगला है दोस्तों, कार्टजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा कोलंबिया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो कौन नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पतिक बाग, करेक्ट आंसर बी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है दोस्तों? तो कैसे किया जाता है दोस्तों, इन सीटू संरक्षण द्वारा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से क्रेव ब्रेक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो बी नंबर का, 22 मई को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम रस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध भूमि संरक्षण, ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ
ने दशक 2011-2020 को घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? ए नंबर का हो जाएगा जैव विविधता का दशक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ए नंबर का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, तो कब किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 2002 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो क्या लक्ष्य रखा गया दोस्तों इसका? वर्ष 2030 तक दोस्तों लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने नरबू सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की दोस्तों, किस देश में की दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई, बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना।